8 8 8 8 है माल्टो इधर खतरनाक थोड़े बहुत मिला। ये क्या हुआ कोई मेरे को बताओ। वेलकम एवरीवन टू द अनदर एपिसोड ऑफ फिशिंग इन द वाइल्ड। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे भाटा का टाइम चल रहा है, चचा लोग नहा रहा तब भी जो भी हो। अभी बेसिकली यहाँ पे पूरा इलाका देख सकते हो फुल मडस्कीपर वाला सीन हो चुका है, बिकॉज सारी तरफ एकदम सिल्ट मट्टियां जमी चुकी है एकदम खतरनाक तरीके से। और मेरे को यहाँ पर सिम्टम्स दिख रहा है इधर दुर्गा माता के बगल में, मतलब यहाँ पे जब भसान हो जाता है तो यही कंडीशन होती है। मतलब मेरे को यहाँ से उतर के जाके इनमें कुछ पकड़ा पकड़ी करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं थोड़े से हाइट पे हूँ, देख सकते हो ये एकदम सो रहा है एकदम। यहाँ से इस वाले इलाके में अभी फिशेस नहीं दिख रही हैं। मडस्कीपर एक्चुअली एम्फीबियंस होते हैं ना, पानी के ऊपर भी रहते हैं पानी के अंदर भी रहते हैं। एक तो कूद ले तो। चलो एकदम जूम करते हुए एकदम यहाँ पे एक बैठा हुआ देख ही सकते हो। कूदा देखा 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 भटक रहा इधर आसपास। हाँ यही मेरा पैर का हालत होने वाला अगर मैं अंदर गया तो। देखो कितने अंदर उसका पैर धंसा है भाई साहब। एक इधर एक उधर आ गए सारे शिकारी। आ चुका है शिकार करने, देख सकते हो कुछ कुछ चीजें। कोई कोई फिशेस यहाँ पे होल बना के भी रहती हैं, तो शायद हमें एक दो देखने को मिले। हम हाथ डाल के देखेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कुछ मिलता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक होल है, आओ देखते हैं। छोटा सा हरा सा पिंसर वाला केकड़ा, इसको रखते हैं डब्बा में। जाता पहला केकड़ा दोस्तों, देखो ड्रिपवुड, हालांकि लचीला लचीला ड्रिपवुड है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो भाई देख रहा हरा पिंसर वाला, रख ली इसको। क्या कर लियो तुम हिसाब? ये भाई बच्चा लोग तो ठीक दौड़ लेता भाई, आ तो उठा ले तो। ए भाई लोग के देखना कैसे लोग कुदू कुदू, क्या बता बुलबुला उठ रहे उधर। कुछ फायदा ना अब हम लोग के जिंदगी में रह गई, लोग कुदू कुदू करके दौड़ा था रहे भाई लोग। देख दे भाई कोई स्किल दे भाई, ये तो सही है ये स्ट्रगलिंग। वो लोग छपड़ छपड़ कर रहा है यहाँ पे कुछ पक्का, यहाँ पे कुछ भाई हाथ मारा मछली निकल रहा है। ये 8 8 8 8 है माल्टो। अबे निकाल ओके कर तेरे का भाई ना पता का भाई कुछ तो भाई का पता बोला तो नहीं उठाओ तो ये करता काई इसका मुंह देख पहले भाई देख रहा ए मत कर मत करो मत करो कर लग जाएगा जब खाएगा रुक जाओ का है इतना एक्साइटमेंट होता है भाई। ये देख ये देख अरे हमको तो एलियन के बच्चा लगा था हिसाब का बच्चा। जुलाबे आलम मछली पकड़ के लाया है जिंदा घर ले जाने के लिए, सुअर का बच्चा मार रहा है उसको। ये भाई ये भी सब मछली का भाई पकड़ेगा फिर पकड़ी पकड़ी करा तेरे हट पानी भर के लाया तो। सो अनफॉर्चुनेटली मेरे को अभी तक तो एक भी मडस्कीपर नहीं मिला है। कंडीशन देख सकते हो बहुत देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं मिला मेरे को। कोई बात नहीं चलो धुआं धोई करते हैं, कभी और देखेंगे आएंगे मडस्कीपर खोजेंगे। अरे पूछ ना पकड़े के भाई। हाँ मडस्कीपर काट ली काट ली। देखो देखो जरा मडस्कीपर का भाई टेस्ट कीपर का है ये, अभी तो समझ नहीं आ रहा हमको। अबे गंगोत्रो मच आंख देख इसका छोटा छोटा। अब इतना सारा जगह होने के बावजूद भी मैं इस फिश को अपने पास नहीं रख सकता, बिकॉज ये फर्स्ट काफी अगली लुकिंग है। हालांकि वो कोई मैटर नहीं है, मैं रख सकता था इसको। अब ये इंडियन फिश कैटेगरी में आती है, तो मैं इसको इंडियन फिश टैंक जब मैं बनाता तो उसमें इसको शिफ्ट कर देता, अभी टेम्पररी कहीं रख लेता। लेकिन इशू कुछ ऐसा हो रहा है, तो इस फिश को मड में रहना ज्यादा पसंद है एंड मैं कोई भी ऐसा टैंक नहीं बना सकता जिसमें मैं बहुत सारे मड रखूं जो कि दिखे भी ना, और ये तो मैक्सिमम टाइपों में घुस के ही रहेंगी अंदर में, मतलब दिखने वाली फिशेस ये नहीं है, इसलिए इनकी आंखें काफी छोटी छोटी होती हैं, मड से एकदम अंदर घुस घुस के रहती हैं। इसको हम फिर से रिलीज कर देते हैं ले जाके वहां पे जहां से हम लोग लेके आए इसको। डोंट वरी ये थोड़ा सा पानी में भी ऐसे सरवाइव कर सकती है, इसके बॉडी पे नमी रहे तो। ये बेसिकली कीचड़ में ही रहती है, ज्यादा पानी इसको लगता नहीं है। ये देखो भाई साहब ये तो काट वाट रहा भाई, अभी इसने मेरे थर्माकोल को चबाने की कोशिश करी भाई साहब। इसके मुंह देख रहे हो, इसको पकड़ने में भी डर लग रहा है वैसे ही। देखो भाई एलियन फिश हो भाई, दांत तो खतरनाक है इसके। कंटेनर में जाओ यार, तुम तो कूद लेते हो। पानी भर भर चुका है एकदम जुआड़ के पानी से। देखो कुछ नहीं दिख रहा अभी भी, उस टाइम का कंडीशन काफी अलग था। कौआ लोग का मीटिंग चल रहा है उधर। याओ याओ क्या हमारे पास हिम्मत होती इसको फिर से हाथ में लेने का, इसका वो थर्माकोल कटिंग देखने के बाद। कोई बात नहीं हम कर सकते,
आखिरी बार मॉन्स्टर को देखने के बाद इसे एक पप्पी देते हैं, उसके बाद जाओ 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 जाओ। सो अभी नेक्स्ट दिन हो चुका है दोस्तों, अभी मैं फिर से गंगा के घाट पे आया था देखने की कुछ मेरे को मिलता है कि नहीं, एंड आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि पानी भरा हुआ है एंड हाँ फिशेस दिख रही हैं। तो आई थिंक सो ये 3-4 दिन के बाद का सीन है, उस सोर पे देख सकते हो फिशेस कूद रही हैं, यानी कि मर्ड्स की पर कूद रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि घाट देखो पानी से पूरा लबालब हो चुका है, एंड सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अगर मैं पकड़ने जाता हूँ इनको तो हो सकता है वो भाग जाए पानी में। ठंडा का मौसम में इस टाइम में मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है इधर पे, तो काफी अच्छा लगता है। चलो चलो हिसाब लगाते हैं उनको पकड़ने का। आई थिंक सो मेरे को चप्पल खोल देना चाहिए, एंड उसको मैं उधर से जाके इस तरीके से कैच करने की कोशिश करता हूँ। पैंट चढ़ाओ। अरे भाई साइज देखो उसका, देखो एकदम मुंह निकाल के है, सांप का बच्चा नहीं है ना भाई तू, इशू हो जाएगा मेरे को, काट के हिसाब बैठा देगा तू मेरा। दिख रहा वही है जिसे मेरे को एक तो भागा, एकदम बड़ा है छांव में भाई। ये क्या हुआ कोई मेरे को बताओ भाई साहब, ये तो नहीं होना था, गीला हो जाएगा हम। ये भी सही है, अचानक से ऐसे नजारे तो नहीं देखने थे, टाइमिंग काफी सही था उसका। जैसे ही मैं यहाँ पे बैठा वो लहर मारा भाई साहब खतरनाक तरीके से एकदम। इसे देखो डर वर नहीं है, मैं पकड़ ना लूँ इसको। क्या आपको दिख रहा है ये चिपका हुआ, क्या ये पकड़ में आएगा? नहीं आएगा, भागा उधर गया। देखो अपॉर्चुनिटी दिख रहा मेरे को, एक वहाँ पे बैठा है मोटकू सा, कभी पकड़ नहीं आते, ये ढुक जाता है इधर उधर पकड़ने की कोशिश। ओए कूद का आदर है भाई अंदर में, अभी भी खतरनाक थोड़े बहुत। ओए मिला ऊपर में उठा हुआ है, एक इधर ही भागा भाई। तो इतनी देर के खुजाई के बाद आई फाइनली कॉट अ स्मॉल वन, छोटा सा मिली से, इसको हम रखी से। इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम स्टिल रख सकते हैं। ए भिगाएगा मेरे को फिर से ऐसे, कौन लहर मारता है भाई। इस डब्बे से आराम से वो जम करके निकल सकता है, तो इसको पैक करके रखना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देता हूँ। ये देखो मेरे पैर के कदम के अंदर में कौन चल रहा है सर, हेलो कर लो मारपीट मेरे से, कर लो आ जाओ। इन छोटे वाले केकड़ों का इधर भरमा आ रहा है भाई साहब। अब इनके शिकारी लिस्ट में मैं भी ऐड हो गया होऊंगा, ठीक है, इनसे बचना है। सिंस हमारे को एक ही मर्स कीपर मिला है, हम इसी के साथ खुश रहेंगे, इसी को बड़ा करेंगे। तो एक मर्स कीपर पानी के ऊपर है, एक नीचे में है पानी के अंदर में, एंड मैंने अभी फिलहाल खाना दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लड वॉर्म्स हैं। अब इनके कुछ देर के मूवमेंट ऐसे रिकॉर्ड होंगे तो मैं टाइम लैप्स पे लगा के छोड़ देता हूँ। सो अपना पुराना वाला सिपाही तो यहाँ पे खाने आ चुका है, उसको पता है क्या है सिचुएशन कैसे, लेकिन जो हम वाइल्ड पकड़ के लाए उसको कुछ नहीं पता। एक केकड़ा भी आके खाएगा क्या? नाश्ता पानी तो दिया है, उठ लो खा के देखो एक बार कैसा लग रहा। एक्चुअली ये करने वाला है वो, मारपीट ना हो जाए इन दोनों के बीच में। वो अभी भी ट्रेंड नहीं है लेकिन सिचुएशन हमें समझ में आ चुका है कि क्या सब होगा। वो इसको देख के वो खाना भी स्टार्ट कर देगा जब वो भूखा होगा। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू इनवर्टिब्रेट्स।